बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुकद्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। इज़्ज़त, शोहरत और दौलत तीन ऐसी अतात हैं जो अल्लाह पाक हर इंसान को नसीब नहीं करते। कुछ लोग हमारे माशरे में, हमारे रहन सहन में ऐसे होते हैं जिनको चूज़ किया जाता है, जिनके पास ये तीनों अल्लाह पाक के इनामात समझ लें, अल्लाह पाक की फजीलतें समझ लें, प्रोवाइड की जाती हैं, अल्लाह पाक खुद अता करते हैं, उनको अपनी खास अता से अता की जाती हैं। ऐसी ही एक शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिन पर अल्लाह पाक की तमाम अता मौजूद हैं। अगर हम सराय आलमगीर की बात करें, डिस्ट्रिक्ट गुजरात की बात करें, तो फ़ख्र सराय आलमगीर, या यूँ समझ लें कि पाकिस्तान की पार्टीशन जब हुई उससे कबल अगर हिस्ट्री देखी जाए तो सराय आलमगीर में सबसे पहले इलेक्टेड होने वाले MNA हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक फैमिली का फ़ख्र, हमारे लिए काबिल फ़ख्र मलिक जमील अवान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो उम्मीदवार MPA भी हैं और उम्मीदवार MNA भी हैं। कैंडिडेट वो MNA के भी हैं और MPA के भी हैं। आइए उनसे राय लेते हैं कि जिस तरह से इलेक्शन होने जा रहा है, तय पा चुका है कि इलेक्शन होगा, कंपटीशन किस पार्टी के साथ होगा उनका। अगर हम बात करें इलेक्शन की, तो जिस तरह से डिवीजन के प्रेसिडेंट हैं आबद रज़ा कोटला साहब, वो भी इसी हलका से उम्मीदवार MNA हैं, अगर वो भी MNA के उम्मीदवार हों और मौजूदा MNA भी रहे हैं, वो कैसा इलेक्शन वो देखते हैं, कैसा कंपटीशन देखते हैं, क्या लगता है उनको कि टिकट दी जाएगी? और मुस्लिम लीग नून जो इक्तदार में यके बाद दिगरे आती रही, फिर उसने वर्क भी किया, फिर दोबारा से उनका आना, उनका कंपटीशन अगर मुल्की सतह पर देखा जाए तो किसके साथ होगा? गुजरात की सियासत पर स्पेशली हम राय लेंगे कि गुजरात की सियासत में अलायंस किसके साथ होने जा रहा है। तो आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात मलिक जमील अवान साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम। माशाल्लाह से आपका जो जा रहा है इस वक्त वर्क, अगर हम देखें कि फील्ड में जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा अप्रिशिएटेड है, और लोगों का आपके साथ आना ये भी खुश आइंद है। कैसा इलेक्शन नज़र आता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो हालिया इलेक्शन आ रहा है ये इतना आसान इलेक्शन नहीं है। सही। इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है, और अल्लाह ताला के फजल करम से, जैसा कि आपको पहले भी मालूम है, मैं 2008 में तहसील सराय आलमगीर से पहला तहसील सराय आलमगीर का MNA जो मुंतखब हुआ, अगर अल्लाह ताला ने, मैं जिस वक्त किसी को जानता नहीं था, तो अल्लाह ने मुझ पे इतना खसूसी कर्म किया था। अब तो अल्लाह के फजल करम से मैं पिछले 16-17 साल से इस फील्ड में हूँ, और तकरीबन 7 days a week में हल्के में होता हूँ, और लोगों की गमी खुशी में हर जगह पे हाजिर होता हूँ, और मेरे साथ अल्लाह ताला के फजल करम से साथी भी बहुत अच्छे हैं जो तावन भी कर रहे हैं। और जो आने वाला वक़्त है, मैं जो महसूस कर रहा हूँ, हमारा कंपटीशन होगा काफ लीग से, और तो कोई दूसरी जमात मुझे नहीं जहन में नज़र आती कि जो कंपटीशन में आए। सर, कंपटीशन की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता काफ लीग के साथ भी हो, क्योंकि अलायंस की सूरत हाल अगर ऊपरी सतह पर हो जाती है तो दो हलकों में तो परमानेंट अलायंस नज़र आ रहा है। एक वो मतलब आप जानते ही हैं जिस तरह से परवेज़ लई साहब का एक्स हलका है, या अगर हम बात जलालपुर जट्टा वाले हलके की करें तो वहाँ भी आबद रज़ा कोटला साहब का हलका या आपका हलका थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? जी, यहाँ तक इस हलके का तलक मैं बड़े वसूस से कहता हूँ, इंशाल्लाह यहाँ पे किसी से कोई भी सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। सही। और मुकाबला तो फिर वही आता है काफ लीग के साथ मुकाबला आता है, और तो कोई दूसरा नज़र नहीं आ रहा कि जिससे मुकाबला, क्योंकि ज़ाहरी तौर पे कोई दूसरा कैंडिडेट सामने आ ही नहीं। अगर कोई आएगा सामने तो फिर पता चलेगा कि कौन कितने पानी में, अल्लाह ताला के फजल करम से। मगर ये जो हमारा हल्का बिलखसूस तहसील सराय आलमगीर, ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, यहाँ पे किसी दूसरी जमात के इतनी गुंजाइश नहीं है जितनी नून लीग की, और इस लिहाज से हम देखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला तहसील सराय आलमगीर में भरपूर लोग मुस्लिम लीग में। अगर सर हम आपके PP27 की बात करें तो म्यूनसिपल कमेटी खारियां का ऐड हो जाना, कंटोनमेंट बोर्ड का ऐड हो जाना, और मैं समझती हूँ कि बिल्कुल सीधा हल्का हो गया, कोटला बीच में से स्किप हो गया,
और मजॉरिटी जो है मलक फैमिली की है, जैसे डोगा कर लें इसी तरह से इधर मर जाना है। हाँ बिल्कुल, तो ये मजॉरिटी जो है मलक फैमिली सी है, आपको लगता है कि फैमिली का भी कोई असर रसूख रहेगा? नहीं, फैमिली तो इस हल्के में बहुत कम है फैमिली, और वैसे भी हमें वोट खाली फैमिली के तो मिलते नहीं है। हमें तो तकरीबन हर जो कास्ट है वो सब वोट देते हैं, अदरवाइज अगर हम ये सोचें कि हमें मलक वोट देंगे तो MNA या MPA बन जाएंगे, फिर तो बहुत मुश्किल है। जहाँ तक हल्के का तलक है, इस दफ़ा हल्का बहुत ही अच्छा बना है। हल्का PP 27 जो बिलखसूस तहसील सराय आलमगीर है और खारियाँ शहर है और साथ कैंट है और बिदर मरजान और थपला, ये हल्का है सब। और हल्का तो अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छा है। और जहाँ तक तलक है, क्योंकि हम पहले भी तकरीबन 4-5 इलेक्शन इस शहर में खारियों में भी लड़ चुके हैं, MNA का तकरीबन 4 इलेक्शन हमने वहाँ से कंसल्ट किए हैं और लोगों से अच्छा खासा तलक है। और हम पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से कि खारियों से इंशाल्लाह ताला अक्सरियत से जीतेंगे। सर, अगर हम राजा असलम साहब की बात करें तो जिस तरह से वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं और मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर भी रहे हैं, एक्स टिकट होल्डर भी हैं, क्या लगता है आपको PP 27 में आपको, अगर मलिक हनीफ साहब की CV को देखा जाए, उनको तो क्या आपकी राय है, क्या मतनाज़र नज़र आता है आपको? देखें, ये तो जमात ने फैसला करना है कि किसको टिकट देना है। जमात बिलखसूस दोनों की CV देखेगी, दोनों की नहीं बल्कि तीनों की देखेगी। आप भी तो कैंडिडेट हैं। बिल्कुल, मैं भी इंशाल्लाह कैंडिडेट हूँ PP 27 से, और CV देखी जाएगी। और CV के लिहाज से मैं मलिक हनीफ साहब, मैं प्रायोरिटी देता हूँ उनको कि CV के लिहाज से वो किसी लिहाज से भी कम नहीं है, उनका हक बनता है। और इंशाल्लाह ताला मलिक हनीफ अवान को ही टिकट देगी। सही। और अगर सर अदर हैंड देखा जाए तो आबद रजा कोटला साहब भी उम्मीदवार MNA हैं और MNA भी रहे हैं, डिवीजन के प्रेसिडेंट भी हैं, वर्क भी मुस्लिम लीग नून के लिए उन्होंने किया है, आपकी अपनी पहचान है आपके ख़ानदान की, क्या लगता है आप फिर भी बावजूद इसके कि टिकट आपको मिले या ना मिले फिर भी इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? देखिए जी, हमने टिकट अप्लाई किया है, अगर ये फैसला जमात करेगी, अगर टिकट मिलेगा तो ज़रूर करेंगे, अगर टिकट नहीं देगी तो हम जो जमात का फैसला होगा उसको सरेखम तस्लीम करेंगे। बिल्कुल सही। ऐसे हालात चल रहे हैं और गुजरात में बातें चल रही हैं अलायंस की या सीट एडजस्टमेंट की, काफ लीग के साथ एडजस्टमेंट आपको कैसी नज़र आ रही है? और गुजरात का अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो काफ लीग का आपस में ही ऐसे ही अजीब सा हालात पैदा करना, एक हिस्सा PTI में, कुछ काफ लीग में, तो ये इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखें जी, काफ लीग ने जिस वक्त PDM का साथ दिया है जोश शजा साहब ने, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी, अपने घर की कुर्बानी दी है, और उन्होंने अपने घर में दीवार खड़ी की है किस्म की, भाई भाई से जुदा हुआ है, और अगर उनके लिए सीट एडजस्टमेंट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हीं के बदौलत, उन्हीं की वजह से हमारी 16 माह हुकूमत भी रही है। और मैं समझता हूँ कि अगर वो सीट एडजस्टमेंट सिर्फ 2 सीटों पे ही गालबन हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, मगर ये फैसला तो कायदीन ने करना है, वो जो भी फैसला करेंगे सरेखम तस्लीम करेंगे। मैं अपने तौर पे समझता हूँ कि उनको 2 सीटें ज़रूर मिलनी चाहिए अगर वो ख्वाहिश का इजहार करें तो, बाकी पूरे ज़िले में कहीं भी कोई सीट एडजस्टमेंट होती नज़र नहीं आती है, और होगी भी इंशाल्लाह नहीं। इसलिए देखें, फिर तो जो होता है वही होना है, मगर एज ए सियासतदान, एक मैं स्टूडेंट की हैसियत से अपनी सोच के मुताबिक ये समझता हूँ कि उनको हक मिलना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, उनको आज़ादी होनी चाहिए बेशक वो इलेक्शन लड़े, और मैं तो चाहता हूँ कि हर एक को इस मुल्क में जो भी पार्टियाँ सबको इजाज़त होनी चाहिए, सरेआम वो भी इलेक्शन लड़े, जैसे हम कंपेन करें वो भी कंपेन करें, पता तभी चलेगा। तो बाकी फैसला तो जो भी है वो अदालत या इलेक्शन कमीशन नहीं करना। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, आपने तो अपनी ओपिनियन दी। सर, अगर सराय आलमगीर को देखा जाए तो मसाइल की अगर बात करें स्पेशली, कौन से मसाइल आपको नज़र आते हैं जिनका समझते हैं आपके फौरी कोई ना कोई सलूशन होना चाहिए? ऑब्वियसली अवाम है, अवाम के काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, अवाम ही मुंतहिब करती है, अवाम ने हमेशा आपको रिस्पेक्ट भी दी है आपके ख़ानदान को,
क्या लगता है आपको कि आप क्या करना चाहते हैं इस आवाम के लिए, इस आलमगीर के लिए? अगर मेरे पास में आओ तो मैं तो यहाँ दूध की नहर बांध दूँ। जी जी, जहाँ तक वसाइल का तलक है, गवर्नमेंट के पास वसाइल होंगे तो तभी आके काम चल सकता है। अगर कोई इंडस्ट्री एरिया यहाँ पे, ये जो सोसाइटियाँ बन रही हैं इनके जगह अगर इंडस्ट्री को लगती जी जी, तो सबसे बेहतर था। कम से कम ये गरीब आवाम को वहाँ मजदूरी मिलती, लोग मजदूरी करते और अपने बच्चों का पेट पालते। मगर जो ये जगह है इस वक्त वो सब सोसाइटियों में जा रही है। मैं तो ये चाहता हूँ यहाँ पे इंडस्ट्री लगनी चाहिए, फ्री जोन बनना चाहिए ताकि मैक्सिमम लोगों को रोज़गार मिले। अगर लोगों को रोज़गार मिलेंगे तो इंशाल्लाह खुशहाली होगी और लोग सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे, अपने बच्चों का पेट पालेंगे। सर, जिस तरह से मुल्क की हालात हैं और काफ़ी टाइम से बींग अ पाकिस्तानी आपसे पूछ रही हूँ, काफ़ी टाइम से हम किसी ना किसी तरह से तजबस का शिकार रहे हैं और कुछ हालात ऐसे भी हैं जैसे गरीब गरीब तर होता जा रहा है, इस पर आपको क्या लगता है कौन सा लाया मल अख्तियार करना चाहिए बींग अ पाकिस्तानी, जिसे हम अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं? मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, मैं तो ये चाहता हूँ कि इस मुल्क में जो अमीर था वो अमीर तर होता गया, गरीब गरीब तर होता गया। मारा गया तो इस वक्त सफेद पोश मारा गया। गरीब तो पहले भी मांग के खाता है और अब भी वो मांग के खा रहा है। जो अमीर है उसको तो परवाह नहीं है, उसके पास पैसे की फरावा नहीं है, महंगाई हो ना हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जो मिडल तबका, सफेद पोश तबका, इस वक्त वो बेचारा पिस गया, वो कहीं हाथ नहीं फैला सकता और उसके इस वक्त इतने हालात ख़राब है, उन लोगों के घरेलू हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अपनी जोली भी नहीं फैला सकते। मैं तो चाहता हूँ अगर कुछ हो तो इन लोगों का सबसे पहले कुछ किया जाए। मेरे बस में चले तो मैं ये जो सफ़ेद पोश तबका मिडिल क्लास जितना हो सके पहले इनकी मदद की। ग्रुप बंदी हर पार्टी में, हर जगह, हर शहर में रही, आपके यहाँ सराय आलमगीर में दो क़्यादत मुस्लिम लीग नून की हो, मुस्लिम लीग नून को प्रेजेंटेशन करने वाला दो ख़ानदान, एक राजा असलम फैमिली, आप लोग, तो ग्रुप्स में जो है आपस में यूनिटी नहीं है, इस पर आप क्या राय देंगे? जैसा कि देखा गया नवाज शरीफ साहब की आमद पर भी दोनों ग्रुप सेपरेट सेपरेट अपने अपने सफ़र पर जो है रवादमा हुए। देखिए मैं तो सबको पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैंने तो कहा था कि सबको मिल के एक प्लेटफार्म से जाना चाहिए, ये नहीं कि अपने अपनी राय ले, अपने अपने बंदे लेके जाएं, बल्कि मैं तो ये चाहता था कि पूरा डिस्ट्रिक्ट एक जगह पे इकट्ठा और सब मिल के जाएं, किसी को पता चले कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात आया। मगर बदकिस्मती से वो हम लोग नहीं कर पाए, मगर इसमें ऐसी कोई बात नहीं, हमारी आपस में कोई टेंशन नहीं। सब जिस तरह से आपने बहुत खूबसूरत सा आगाज़ किया इसराइलम की तारीख में, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी आप रहे, एमएनए भी रहे, और जिस तरह से मैं समझती हूँ कि मलिक हनीफ साहब एमपीए रहे, आपने अपने टेन्योर में और हनीफ साहब ने अपने टेन्योर में कौन सा मेगा प्रोजेक्ट दिया इसराइलमगीर में या कौन से तरक्याती काम करवाए? अपने दौर की पहले बात कर लेता हूँ या मलिक साहब के, सब मिला के मैं टोटल बता देता हूँ आपको। मेरे दौर में सबसे पहले तहसील सराय आलमगीर का THQ हॉस्पिटल जो है वो मैंने मंजूर किया, करवाया जी जी। और वो इस वक्त अल्लाह ताला के फजल करम से काम कर रहा है और वहाँ पे तकरीबन डेली के 1000 से लेकर 1200 आदमी डेली वहाँ पे चेकअप होते हैं और डेली ऑपरेशन भी वहाँ पे होता है। उसके साथ बॉयज़ डिग्री कॉलेज वो बनाया है, उसके बाद जगोहेड डिग्री कॉलेज है और जगोहेड ब्रिज है और बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट हैं। मिसाल के तौर पे 1122 है, वो भी मलिक साहब के दौर में हुआ है और बेशुमार ब्रिज हैं और रोड्स हैं जो हमारे दौर में बनी हैं और इतने स्कूल हैं जो अपग्रेड हुए हैं। मिसाल के तौर पे उन जगहों पे जहाँ बिल्कुल स्कूल था नहीं, वहाँ भी स्कूल बनवाए हैं बच्चों की तालीम के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भरपूर कोशिश की है, जो हमारे 10 साल दौर में जितने काम हुए हैं जब से पाकिस्तान बना है वो सब एक तरफ रख ले, हमारे 10 साल दौर के एक तरफ रख ले तो भी हमारे ज़्यादा ये 10 साल के प्रोजेक्ट बहुत बड़े प्रोजेक्ट। हाँ, और सुई गैस, मिसाल के तौर पे सुई गैस
मैं क्योंकि उस वक्त अपोजिशन में थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी की हुकूमत थी, और मैंने पीपल पार्टी की हुकूमत से यूसुफ रजा गिलानी साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे उनसे फंड्स लेकर सुई गैस सराय आलमगीर से लेकर चिंगस तक मंजूर करवाई थी, जो डोरी तक अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल हो चुकी है। आगे कुछ 2-3 गांव रह गए हैं जो अभी बाकी रहते हैं, अगर अल्लाह ताला ने कोई ऐसा मौका दिया तो ज़रूर वो भी कामयाब भी से इंशाल्लाह पूरा करवाएंगे। खारिया की तरफ भी ये सैना कह लें बेगा ले लें उस तरफ भी सुई गैस का काम करवा था, और वाबडा का काम जो है तहसील खारिया में बेशुमार वाबडा का काम करवाया था, और इसी तरह मैंने बेशुमार रोडें भी मेरे दौर में भी बनी हैं, रेवेन्यू का ऑफिस जो है बिल्डिंग वो भी बनी है तहसील में, वो भी मलिक साहब के दौर में बनी है, और वेटनरी हॉस्पिटल जगुएट बना है, डिग्री कॉलेज वहाँ पे जगुएट बना है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों बने हैं, और जगुएट ब्रिज डबल 2 बने हैं, बड़े ब्रिज बने हैं वहाँ पे, जो कि लोगों के बहुत मुश्किलात थी उस वक्त जब मैं क्योंकि कहीं भी उस तरफ जाता था अमूमन देखने में आता था आधा आधा घंटा 1-1 घंटा लग जाता था, लोग लाइन में खड़े हैं मोमन वहाँ पे झगड़े हो जाते थे। मैंने प्रायोरिटी बेस में ये कोशिश की कि वहाँ पे ब्रिज बन जाए और लोगों को आमदोरफ्त में इजी हो जाए, और वो ब्रिज खाली तहसील सराय आलमगीर के लिए नहीं है, वो तो तकरीबन 3-4 ज़िलों को इस्तेमाल में आते हैं, तो अल्लाह के फजल करम से इस वक्त वो रवान दुआएँ। इसी तरह शकरीला पुल ब्रिज बना है जी, हमारे गांव का एक बड़ा ब्रिज बना है नहर के ऊपर, इसी तरह पुरान तक बेशुमार पुल बने हैं, तकरीबन 8-10 पुल बने हैं, रोड बनी है जो, और बुआज यानी कि खद्याला हाई स्कूल में क्रिकेट का क्या कहते हैं स्टेडियम बना है, वो भी मलिक साहब के दौर में, बिल्कुल से प्लस आप कह लें कि 1947 से लेकर हमारे 2008 तक जितने भी तरक्याती काम हुए हैं तहसील सराय आलमगीर में सबसे ज्यादा काम हमारे दौर में। आपको बताते चलूं बात अगर लॉयलिटी की करें तो मलिक फैमिली जो है अपनी लॉयलिटी में भी नंबर 1 पे है पूरे डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। यहाँ देखा जाए तो जब एक वक्त ऐसा आया था जब आप जानते हैं कि मार्शल लॉ लगा और परवेज़ मुशर्रफ की आमरियत का दौर था, और उस दौर में भी मलिक हनीफ अवान साहब या मलिक साहब जो हैं वो स्टिल रहे, साबित कदम रहे, उन्होंने मुस्लिम लीग नून का दफ्तर भी बनाया, IAS पर भी। मलिक साहब जिस तरह से वो आमरियत का दौर था और मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा कड़ा वक्त था, और मैं समझती हूँ कि उस वक्त में बतौरे सदर डिस्ट्रिक्ट को प्रेजेंटेशन देना या अपने इलाके में एक सराय आलमगीर के अंदर अपनी ही पॉकेट के से एक दफ्तर तमीर करना मलिक हनीफ अवान साहब का ये एक बड़ा अहसन कदम था। इसके बावजूद एक वक्त आया जब आपका साथ देने की बात थी तो मुस्लिम लीग नून ने आपको स्किप किया, इस पर आपको क्या लगता है कि पार्टी अपने वर्कर्स की या अपने कारकुनान की या अपने जितने भी लोग हैं जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलाकों में उनको निगलेक्ट कर देती है? तक मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म की बात आ जाती है जी, मुशर्रफ दौर में जो बात हुई देखिए उस वक्त मुस्लिम लीग नून जो थी उस वक्त चौधरी साहबान भी मुस्लिम लीग नून में थे जी। जब मुशर्रफ दौर आया तो सब ने ही मुस्लिम लीग नून का साथ छोड़ दिया जी, वह डिस्ट्रिक्ट गुजरात में मलिक हनीफ अवान साहब थे जो मुस्लिम लीग नून में रह गए, बाकी सब ने छोड़ दिया, और उसी दौरान मियां साहब ने जब मुल्क से गए तो मलिक हनीफ अवान को ज़िली सदर नामजद किया, जिस वक्त वो ज़िली सदर मुंतखब हो गए तो ज़ाहिर है उन्होंने ज़िले में बैठना था, ज़िले में ऑफिस चाहिए था, वो जहाँ भी ज़िले में ऑफिस रेंट का लेते थे किराए का, तो चंद दिनों के बाद या 2-4 हफ्तों के बाद वो खाली करना पड़ जाता था, वो क्यों कि काफ लीग की हुकूमत आ चुकी थी और काफ लीग का दौर था और लोग इतने प्रेशराइज हो जाते थे वो खाली कराने पर मजबूर हो जाते थे। फिर मलिक साहब ने क्या किया, उन्होंने अपनी जेब से गुजरात में शादमान कॉलोनी में अपनी जगह ली, वहाँ पर दफ्तर बनाया, और 2018-19 तक मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट रहे हैं और भरपूर तरीके से करते रहे हैं,
और जमात के साथ जो उनकी रियलिटी है वो किसी से छुपी ढुकी नहीं है। उन्होंने अपनी जमात से एक पैसे की वो रवादार नहीं है, उन्होंने जमात पे खर्च किया है, उन्होंने अपने हल्के में खर्च किया है, आवाम पे खर्च किया है, और प्लस अपनी जमात में इवन यहाँ तक कि गुजरात दफ्तर चलाने के लिए ये भी मलका नीसा फंड देते थे जिस वक्त कोई भी वाली वारस नहीं रहा था, सही। उस वक्त भी मलका नीफ चलाते, जहाँ तक टिकट का मामला आ गया जी, मलिक साहब को स्कैप किया गया। मैं उस वक्त जब टिकट की एप्लीकेशन गई थी तो बाहर गया हुआ था, अचानक ही बाद में एप्लीकेशन हुई तो मुझे मलका नीफ साहब ने फ़ोन करके बताया कि जब मैं बड़े मियाँ साहब से बात हो रही थी, इंटरव्यू वगैरह कर रहे थे, तो मियाँ साहब ने कहा मलिक साहब मैं आपसे एक कुर्बानी लेना चाहता हूँ। वो क्या है? मेरी बात को रद्द नहीं करना, मेरी बात मानना है। तो मलिक नीर साहब ने कहा कि मैंने आज तक मियाँ साहब आपके लिए ही सब कुछ किया है, सही। अगर आप जान मांगे मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। मियाँ साहब ने कहा मेरी मजबूरी है एक टिकट की, आप मेहरबानी करें टिकट दें। मलिक साहब ने कहा मैं आप पे कुर्बान कर देता हूँ, आप दे दें टिकट जिसको दे दें। क्या बात। और उस वक्त मियाँ साहब ने बोला था कि मलिक साहब आप दो सूबे की टिकटें ले लें, और जिस वक्त बात होगी बाद में मियाँ साहब को पता भी नहीं चला और एक सीट दी गई और दूसरी नहीं दी। बड़े मियाँ साहब को इस बात का इलम भी नहीं। सही। यह है मलिका नीफ की वफा की दास्तान जो उन्होंने जमात के साथ किया, मगर उसके बावजूद वो जमात के साथ खड़े रहे हैं, उन्होंने कोई दूसरी जमात ज्वाइन नहीं की है। बाकी बातें होना या करना ये एक अलग बात है, मगर वो आज भी वो मियाँ साहब के ही है, वफा की आ जाती है ना जी। ये 2002 वाले इलेक्शन थे, उस वक्त मुशर्रफ साहब का बहुत सख्त कठोर दौर था, तो इलेक्शन के दिन आ गए तो मैं उस वक्त सोच रहा था कि मैं भी इलेक्शन में हिस्सा लूँ, और मेरे कज़न हैं, छोटे भाई हैं, डॉक्टर अजमल सदीक साहब, वो इलेक्शन पे उसको हमने तैयार किया दोनों सीटों पे। मैंने कहा चलो मैं कवरिंग कैंडिडेट देता हूँ। उस वक्त गवर्नर होते थे गवर्नर खालिद मकबूल साहब जी जी, उन्होंने मुझे उस दौर उस ज़माने में 2002 में लाहौर बुलाया था और मेरे साथ बात की। उन्होंने कहा कि आप मेहरबानी करें कि आप दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें। मैंने कहा जी उसकी वजह तो बताएं क्यों ज्वाइन कर लें। उन्होंने कहा कि हमने आपको बनने नहीं देना, तो आप उस वक्त फारूक लगारी साहब की पार्टी बना रहे थे मिल्लत पार्टी, आप मिल्लत पार्टी जो है उसको ज्वाइन कर लें तो वो आपके घर आएंगे और आपको सीटें जो विन मिलेंगी, तो आप वो ज्वाइन कर लें। मैंने कहा वो नहीं कर सकते। फिर उन्होंने काफ ली की ऑफर दी कि चौधरी साहबान आपके घर आते हैं और आपको तीन सीटें देंगे, एक MNA एक MPA की और एक जो है लेडीज सीट देंगे। मैंने कहा कि जनाब ये तो मैं कतई नहीं कर सकता। मैंने कहा कि मैं इस वजह से नहीं कर सकता, मैं आपसे हमी भरूँ, मेरा चाचा उधर वफा की बात करता है और मैं बेवफाई कर जाऊँ। मैंने कहा यह नहीं हो सकता। मैंने कहा मैंने अपना नाम हिस्ट्री में बेवफाओं में नहीं लिखा, इस वजह से मुझे इन सीटों की ज़रूरत नहीं है, बेशक हम इलेक्शन हार जाएं। उसने कहा कि हमारे सर्वे के मुताबिक आप हल्के में इलेक्शन जीत जाते हैं मगर हमने जीतने नहीं देना। मैंने कहा आप बेशक ना जीतने दें मगर मैं वफा पर बात नहीं आने दूँगा, अगर ना बेवफाई में लिखा जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा। इस वजह से मैंने उस वक्त भी ये तीन सीटें ठुकराई थी, आज तो फिर अल्लाह ताला के फजल करम से कोई मसला नहीं है। जिस तरह से सर अबद रज़ा कोटला साहब जो हैं वो डिवीजन के प्रेसिडेंट हैं और एक तंजीम साजी के हवाले से बात हो रही थी नवाज शरीफ के आने से पहले भी और बाद में भी, अभी तंजीम साजी से आप किस हद तक सेटिस्फाई हैं जो सराय आलमगीर में तंजीम साजी हुई? देखिए ये तो पहले हो चुकी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन के बाद दोबारा इंशाल्लाह तंजीम साजी होगी, हर हालत में ये चेंजिंग आएगी। ठीक है। लास्ट में सर आप अपने हलके के लोगों को स्पेशली PP27 के लोगों को आप क्या मशवरा पैगाम देंगे? मैं अपने लोगों को प्यार अमन मोहब्बत भाईचारा दोस्ती का पैगाम देना चाहता हूँ।
बेशक उसको वोट दें जो आपके दुख दर्द आपका शरीक हो, आपका अंतर्द हो, आपके लिए कुछ कर गुजरे, आपके लिए मुश्किलात ना बनाए, आसानियां पैदा करें, आपके बच्चों का तहफ़ करें, आपके बच्चों के लिए रोज़गार ढूंढें, आपके इलाज मालजे के लिए कोशिश करें, आपके बच्चों की तालीम के बारे में सोचें, और बिलखसूस अगर सड़कें होंगी तो बच्चे इजी स्कूल जा सकते हैं, सफ़र इजी गुजर सकते हैं। यही मेरा पैगाम है। हमारे दो साथी भाई 27 में उसे वोट दें जो इसराइल होगा, वरना मैं भी कैंडिडेट हूँ, मैं भी कह सकता हूँ मुझे दो, अगर मैं इसराइल नहीं हूँ तो बेशक मुझे वोट ना दें। अगर वो समझते हैं कि मल साहब इस काबिल है तो मल साहब को वोट देंगे। बहुत अच्छा पैगाम जी। नाज़रीन, आपने मलिक जमील अवान साहब की गुफ्तगू सुनी, और लॉयलिटी की अगर बात करें, वफाओं की बात करें तो वफाओं, और उसी चीज़ को देखते हुए मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी हमदर्दियाँ, उनकी डिवोशन, उनकी अलायंस, उनका प्यार, उनकी वफादारियाँ सब आज तक कायम है। अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो मलिक हनीफ अवान साहब, मलिक जमील अवान साहब ने इसराइल आलमगीर को बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स दिए हैं, एजुकेशन सेक्टर पर काम करना या हेल्थ पर, तो ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, इनको इन्होंने दोहराया। तो ऑब्वियसली आवाम बेहतरीन तरीके से जानती है कि कौन सबसे ज़्यादा जो है इस इलाके में डिज़र्व करता है कि उसको वोट दिया जाए, क्योंकि वोट आपके ज़मीर का है, वोट ज़मीर के सौदेबाजी का नहीं है, ज़मीर का आपने वोट देना है और चुनना उसको है जो आपके इलाके के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, और स्पेशली आपके आने वाली नस्लों के लिए सिक्योरेंस करे। मैं समझती हूँ कि ख़ानदान वफाओं का है, और अवान फैमिली की पहले से हम बात दोहरा चुके हैं, आप देख लें आपको जो बेहतर लगता है, लेकिन बेहतर यही है कि आप अवान फैमिली को इस मामले में स्पेशली सपोर्ट करें, क्योंकि इसराइल आलमगीर में पिछले 10 साल में जितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने गिनवाए हैं, मैं समझती हूँ कि तारीख़ में इतने प्रोजेक्ट्स किसी ने भी नहीं दिए। इक्तदार आते रहे, इक्तदार जाते रहे, लेकिन कितनी इतनी नज़रसानी किसी ने नहीं की। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।